नैनीताल, एक नगर जो इस प्रशस्त नैनी झील और उसके तट पर स्थित नैना देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आस्था और श्रद्धा इस पावन भूमि के कण कण में बसी है। भारत का उत्तराखंड राज्य अपने पवित्र नदियों के तट पर बसे तीर्थ क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की घनी घाटियों में स्थित ऐसा ही एक मंदिर जिसकी महिमा विश्व विख्यात है। कैची धाम की स्थापना भगवान हनुमान के परम भक्त बाबा नीम करोली ने 1964 में की थी। पिछले 54 सालों से यह मंदिर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल हैं। यहीं पर बाबा नीम करोली जग भर से आए अपने भाविकों का मार्गदर्शन करते थे। विनोद जोशी, जो बचपन से इस आश्रम में आ रहे हैं, हमें बताते हैं वो क्या चीज है जो श्रद्धालुओं को यहाँ आकर्षित करती है। बाबा जी महाराज का कभी उन्होंने ऐसे बैठ कर प्रवचन वगैरह तो कभी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जिस स्तर का जो भक्त आता था, हर प्रकार के जिज्ञासु जो जो आते, मान लिया विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप, अगर विद्यार्थी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता तो बाबा जी उसे कहते तू ना आज अपने पिताजी का अनादर किया, नहीं माना तो माफ़ी मांगना उनसे, यानी और गुरु से। ये ऐसे दृष्टांतों को वो छोटे 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 समूह में बता देते थे। आज बाबा जी के समाधि ग्रहण के कई दशकों बाद भी उनके भाविकों का यहाँ आना जारी है। कैची धाम एक आश्रय बन चुका है उन श्रद्धालुओं के लिए जो अपने अंतःकरण में जीवन के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जो कई महीने यहां पर रहे। उन्हें उनके मित्र और बाबा जी के भक्त डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने इस जगह से अवगत कराया था। ब्रिलियंट एक मेडिकल डॉक्टर थे और भारत से स्मॉल पॉक्स रोग नष्ट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्टीव जॉब्स के बारे में जहां तक सवाल है, आते आते उसको लगभग 2 महीना देर हो गई, यानी कि सितंबर में आने के बजाय वो नवंबर में आया तो इसलिए बाबा महाराज ने सितंबर में समाधि ले ली थी, तो इसलिए उसको बाबा महाराज के शरीर रूप में दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन उसने ये स्थान नहीं छोड़ा, यहाँ आने के बाद फिर वो उसने यहाँ पे सामने एक कमरा लेकर वहाँ रहा। वो तो बहुत ऑस्टिलिटी से रहता था, सिर घुटा हुआ, पैर में चप्पल नहीं, और एक कमीज ऊपर वाले आंग बदन में और एक धोती, तो बस इतना ही। लेकिन जब भी यहाँ समय होता था अपना प्रार्थना के समय में कभी खड़ा हो जाता था, कभी आरती की टाइम ज़्यादातर बहुत बहुत कम बोलता था, बहुत कम। यहाँ पर बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर बना हुआ है, वहाँ जरूर कुछ देर बैठता था। यहाँ करीब करीब वो 6-7 महीने रहने के बाद फिर चले गया था। स्टीव जॉब्स ने लौटकर एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी की स्थापना की और 2008 में जब मार्क जकरबर्ग उनके पास सलाह के लिए आए तो जॉब्स ने उन्हें भी कैची धाम जाने की सलाह दी। मार्क जकरबर्ग और इस आश्रम से जुड़ा यह तथ्य बहुत कम लोगों को पता था। इसका खुलासा 2015 में खुद जकरबर्ग ने किया। तब से इस आश्रम की लोकप्रियता और भी बढ़ी है, पर यहाँ की पवित्रता अभी भी वैसी ही कायम है जैसे आश्रम के बगल से बहता हुआ यह झरना। इस स्थान में बसी आध्यात्मिक शक्ति आने वाले भाविकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। स्थान तो है ही आस्था और श्रद्धा और धार्मिकता, तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है। इसका अनुभव करने आने वाले भाविकों के लिए आश्रम में और आसपास के लॉज और होटलों में निवास का प्रबंध है। कैची धाम में कदम रखते ही आपको एक अद्भुत देवलोक का अनुभव होता है, आध्यात्मिक, पवित्र और सरल, यहां के कण कण में गूंजने वाली शक्ति का अनुभव।